एक राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी जंगल में रहते हो, कभी घर में भी आ जाओ। गुरुजी महलों में आए, कहा गुरुजी क्या करोगे जंगल में जाके, यहाँ बहुत महल पड़े हैं, खाली यहीं रह लो। बोले ओ रह लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर कहा गुरुजी ये आप वलकल से पहनते हो, मेरे जैसे चमचमाचम पहनो ना। लो पहन लेंगे, पहन लिए। फिर कहा गुरुजी ये क्या रूखा सूखा खाते हो, छप्पन भोग खाओ ना। बोले ओ खा लेंगे। फिर कहा गुरुजी क्या अपने हाथ से काम करते हो, ये नौकर चाकर दास दासियां हो करवा लेंगे। अब महाराज दो नौकर चाकर दास दासियां, बढ़िया राशि वस्त्र, बढ़िया खाना पीना। एक दिन राजा का दिमाग खराब हुआ कि भाई ये गुरु क्यों है और मैं चेला क्यों हूं, वैसे ही तो कपड़े पहन रखे हैं, वैसा ही भोजन कर रहे हैं, वैसे ही दास दासियां नौकर चाकर हैं, और ये गुरुजी मैं चेला जी भाई क्यों। तो मन में सोचा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मन में कोई भी प्रश्न आए तो महाराज उसका जवाब गुरु से ले लेना चाहिए। तो जाके बोला गुरुदेव आप कहते हो पूछ लेना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूं कि आप गुरु क्यों हो और मैं चेला क्यों हूं, जबकि गुरुदेव आप भी वैसा ही खाते हो वैसा ही पहनते हो, मैं भी वैसा ही खाता हूं वैसा ही पहनता हूं। तो गुरुजी बोले बेटा यहां नहीं बताऊंगा, जहां से तू मुझे लाया था वहीं लेकर के चल। तो महाराज राजा वहां लेकर के गया, बताइए गुरुजी। तो गुरुजी ने सारे कपड़े खोले, लंगोटी बांधी, बोले चल चेला तू भी खोल, भजन करेंगे यहां बैठ करके। चेला बोले हैं गुरुजी मेरी रानियां, मेरा महल, मेरे हाथी घोड़े, मेरे नौकर चाकर। बोले बस बेटा तेरे में मेरे में यही अंतर है, मैं जब वहां था तो मैंने कभी अपना नहीं समझा, और मैं यहां हूं तो मैंने कभी पराया नहीं समझा। मैं वहां भी खुश था यहां भी खुश हूं, मैं जंगल में भी वैसी रहता हूं जैसे तेरे महलों में रहता था, और मैं महलों में भी वैसी रहता था जैसे जंगल में रहता था। बस सजनों इसे कहते हैं फंसना। राजा फंसा हुआ था और गुरु महलों में बसा हुआ था। महल में, मालियों में, कोठियों में बसो, मगर फंसो मत। फंसोगे तब जब आप उसे अपने में चिपका लोगे, तभी गृहस्थी बोझ बन जाती है, तभी गृहस्थी दुखदाई बन जाती है। नहीं सजनों, गृहस्थ से बड़ा कोई दूसरा आश्रम दुनिया में है नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।